दोस्तों, चीन में पैदा हुए कोरोना की वजह से दुनिया भर में कई देशों के लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस कोरोना ने अपना डेरा अब तक सभी देशों में डाल दिया है। ये कोरोना इतना ज्यादा घातक है कि अगर कोई व्यक्ति इसके चपेट में आ गया तो उसे सिर्फ उसके शरीर का इम्यून सिस्टम ही बचा सकता है, क्योंकि मेडिकल साइंस के पास इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, इस दुनिया भर में कई ऐसे बीमारियां मौजूद हैं जो कोरोना से ज्यादा घातक और जानलेवा हैं। और अगर कोई व्यक्ति इसके चपेट में आ गया तो अंततः उसे अपनी जान गंवानी ही पड़ती है। तो वो कौन कौन से ह्यूमन वायरस हैं, जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, मार्कबर्ग वायरस। दोस्तों, ये ह्यूमन वायरस दुनिया का सबसे घातक बीमारियों में से एक गिना जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इसके चपेट में आता है तो 99% चांस में उसका मरना तय होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दे कि इस बीमारी से बचने के लिए ना ही कोई दवा और ना ही कोई इलाज है। दोस्तों, ये एक वायरल हीमोरेजिक फीवर वायरस है जो सबसे पहले इंसानी शरीर के महत्वपूर्ण ऑर्गन को ब्रेक कर देते हैं और फिर धीरे धीरे शरीर के अंदर और बाहर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 4, दोस्तों, ज़ॉम्बी वायरस दुनिया के सबसे भयानक और सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। ज़ॉम्बी वायरस एक न्यूरोटॉपिक वायरस होता है जो जानवर के संपर्क में आने से फैलता है। ये ज़्यादातर कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़ जैसे कई जानवरों के नसों और लार्व में पाया जाता है। यदि अगर ये जानवर किसी को काट लेते हैं तो ये वायरस सीधा उसके शरीर में पहुँच जाता है और सीधा ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमला मोल देता है और फिर धीरे धीरे इंसान की सोचने की शक्ति चली जाती है और फिर उस इंसान को काटने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचता है और फिर धीरे धीरे उस इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 3, इन्फ्लुएंजा वायरस। दोस्तों, ये वायरस इतना ज़्यादा घातक होता है कि इस बीमारी से प्रभावित व्यक्ति को अगर कोई दूसरा व्यक्ति सिर्फ छू ले तो सिर्फ स्पर्श मात्र से ही ये बीमारी उसके शरीर में पहुंच जाता है और फिर वो वायरस अपना काम करना शुरू कर देता है। हर साल इस बीमारी के 3 से 5 मिलियन पेशेंट्स आते हैं, जिनमें से 3 से 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है इस बीमारी के कारण। इस बीमारी के अब तक कोई कारगर दवा मौजूद नहीं है। नंबर 2, इबोला वायरस। दोस्तों, ये वायरस इतना ज़्यादा घातक होता है कि जब ये बीमारी इंसानी शरीर में प्रवेश करता है तो तब व्यक्ति के शरीर के नसों से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति के चमड़े को जला देता है और फिर धीरे धीरे उस इंसान की मौत हो जाती है। ये डरावना बीमारी सबसे पहले डिटेक्ट की गई थी अफ्रीका में। नंबर 1 पे आता है HIV एड्स वायरस। दोस्तों, इस वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। दोस्तों, ये वायरस मौत का दूसरा नाम है। इस वायरस से प्रभावित लोगों को मरना ही मरना है और इस बीमारी की भी कोई इलाज अब तक मौजूद नहीं है। हर साल इस बीमारी के चलते 20 से 30 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जो कि ये दर्शाता है कि मेडिकल साइंस इस बीमारी के सामने कितनी लाचार और कितनी बेबस है। और फिर अंत में यही कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस इन वायरसों के सामने कुछ भी नहीं है, तो कोरोना से डरना छोड़ दीजिए और अपने घर पर रहिए। और अगर आप इसी तरह अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर कर लिए हैं तो ऑल पे सिलेक्ट ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।